अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो आज का व्लॉग यहीं से स्टार्ट है और मैंने आज जुल्फी को बोला, जुल्फी तू चाय बना यार, हम बहुत ज्यादा थक गए। तो चाय का पानी रख दिया है, दरवाजा बंद कर दो, यहाँ से हवा आ रही है। और आज काफी हद तक हम जिस काम में उलझे हुए थे वो हुआ है। जुल्फी चीनी डाली है, कुछ भी डाले तो बस मैं डालती हूँ चीनी। तो आज हमारी रवानगी है अपने घर। बिस्मिल्लाहिर्रहमान। जुल्फी इसको कूट के डाल ली थी अदरक को, अबे मानो जुल्फी ने अदरक के पीस कर करके डाल दी। ये देखे इसने क्या अब, लेकिन इसने किया तो सही बच्चे ने यार। हाय जुल्फी, कैसे हो? ठीक हो? बस जो भी मतलब थोड़ा टाइम ना गुजरा, अच्छा लगा, मजा आया, अच्छे अच्छे से जो है ना सारे काम भी हो गए। और अभी भी बहुत ज्यादा काम जो है बहुत सारा पेंडिंग में है। तो आज इंशाल्लाह मैं अपने घर जाऊंगी, मेरे कुछ काम है मैं वो निपटाऊंगी, फिर उसके बाद जो है फिर देखो क्या होता है। भाई गया हुआ है जॉब पर। मानो चाय की पत्ती कितनी डालनी है, मजे वाली चाय पीनी है क्योंकि थकावट बहुत ज्यादा हो रही है। काम काम काम, दिन रात करें हम काम। और ये लोग यहाँ खाना खा रहे हैं, मुझे थोड़ा साइड पे होना बेटा। इब्राहिम के बाबा, इब्राहिम अम्मी और हमारे बच्चे यहाँ सो गए हैं। और आज आपको पता है, आज आपको मैं एक खबर बताऊं बुरी सैड, कि मेरी फातिमा आज जल गई। अल्लाह ने उसको आज बहुत बचाया है, बहुत ज्यादा अल्लाह ने अपना करम किया है, वरना तो आज तो मेरी जान निकलनी ही थी। बेटा दिखाओ मेरी जिंदगी, ऐसे ऐसे नहीं ऐसे, ये देखो, ये आप देख सकते, शरारतें भी तो कितनी है ना, लेकिन देखो मेरी इतनी सब्र वाली बच्ची है। पूरी गरम गरम चाय पूरी शर्ट पे गिरी, शर्ट तो मैंने उतार दी, मैंने उस पर जो है वो आइस जेल भी लगाया, मगर ये मुझे अंदाज़ा नहीं हुआ कि इतना शदीद मेरी बच्ची को तकलीफ हो जाएगी। मेरी ज़िंदगी मेरी जान। और इसके बाबा का तो हाल देखने वाला था, बी पी हाई कर लिया था उन्होंने इसको देख कर। और साथ ही साथ ये हमारा इतना शरारती है ना, ये फातिमा का भाई सो रहा है, और उससे भी ज़्यादा सुपर डुपर अपर लेवल का शरारती। खाना आज अम्मी ने बनाया दाल चावल, दाल चावल इसके साथ अचार सलाद, और ये मिर्चें मजेदार थी। और अब्बू को भी नहला दिया है। अस्सलाम वालेकुम अब्बू, कैसी तबीयत है? तबीयत सही। अब्बू को अभी बस साफ सुथरा करके नहलाया है, अब्बू का भी मुंह भी साफ करते हैं क्योंकि खाना वो गिर गया है वहां पर। और ये हमारी बहनो भी बैठ गई है साफ सुथरी होकर, तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह इतने सारे हमारे काम निमट गए, अब थोड़े बहुत रहते हैं। और मैंने अपनी गुड़िया को बस अभी नहलाया है, योड़ो योड़ो जल्दी छोड़ो, गुड़िया को बस अभी नहलाया है और कह रही है लेट जाओ लेट जाओ लेट जाओ लेट जाओ लेटो। अबू बस बोल रहे हैं मुझे जल्दी से बिस्तर पर डालो। हाँ और थोड़ी देर सबर करो चाय पी ले, क्योंकि अभी नहलाया खाना, आज अब्बू समझे दो दिन के बाद बैठे हैं। मानो कि चाय भी निकाल ली थी हमने, ये ली तुम्हारे सरकार मिर्ज़ा वाली भी कब तोड़ दिया, ये बनाया है कब तोड़ दिया क्या पता, कहाँ आएगा ये चटका हुआ। और मिलेगा एक्स्ट्रा कप, एक्स्ट्रा कप मिलेगा, एक्स्ट्रा थोड़ी मिलता है। मैं फातिमा के हीरे अम्मी ने कपड़े धो के डाले थे हैं। बेटी चाय रोटी खाओगी? खिलाओ तो बस मेरी चाय भी ये रही, चाय पीते हैं और फातिमा को चाय रोटी खिलाते हैं, मजेदार। आजा बेटा चाय खिलाओ। जुफे ने नहीं बनाई, चीनी पत्ती मैंने डाली, मगर जुफे का हाथ देना का शर्ट कहाँ थी? हाँ देखो ये गिरी हुई थी क्या। जल्दी जल्दी इसको खिलाते हैं, चाय पीते हो, फिर घर के लिए रवाना होते हैं। मैं भी नहा लूं, घर चल रहे इब्राहिम, मुझे सुबह जाना है। चाय छोड़े चाय छोड़े, चलो गाड़ी निकालो, चाय गाड़ी।
घर पे सुबह मम्मा को जाना है बेटा, बस अब बहुत हो गया, तो बस कल का इंशाल्लाह व्लॉग आपको हमारे घर का मिलेगा। यहाँ के व्लॉग, अम्मी के घर के व्लॉग्स पर आप लोगों ने माशाल्लाह प्यार दिखाया, मुझे अच्छा लगा। तो अब कल से हमारे घर के व्लॉग होंगे, तो आपने हमारे घर के व्लॉग पर भी ऐसा ही प्यार दिखाना है, और फिर इंशाल्लाह आगे भी अच्छे अच्छे व्लॉग आएंगे। मानो अम्मी के घर के व्लॉग पर अच्छा प्यार, अच्छा मतलब मुझे रिस्पॉन्स मिला। तो बस भाई बने रहे हमारे साथ। हाँ तो मिलते हैं आपसे घर जाके। बस जनाब आ गए हम अपने घर, हमारा प्यारा सा घर, होम स्वीट होम। अस्सलाम वालेकुम जी, यहाँ मुझसे आएगा लेकिन ये किसी लकड़ी पे बैठ जाते ना, चप्पल पे क्यों? फातिमा की चप्पल ये ले लो, लकड़ी ले लो यहाँ से, यहाँ सोफे के पास ही रख दो। यहाँ वॉशरूम आते हैं, सलाम ना दुआ वॉशरूम। आ गए हम अपने घर माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, और गुड़िया सो गई है, मैंने गुड़िया को वहाँ नहला दिया था, अब मैं इसको वैसलीन लगा दूँ। डॉक्टर ने, मैंने आपसे कहा था इसको दिखाया था, तो दवा चेंज की है आँखों की, वो लगाएंगे हम इसकी, और कान की भी दवा चेंज करके दी है। अल्लाह करे कि इसमें आराम हो जाए। सो गई है लेकिन मैं भी इसको उठाऊंगी और इसको लगाऊंगी। कैसी तबीयत आपकी? हाँ इनका बीपी हाई हुआ हुआ था, दवा वगैरह दी। बस कुछ काम थे हमारे जो हमें वहाँ रुकना पड़ा था, थोड़ा अभी भी है काम, अल्लाह करे कि वो जल्दी से हो जाए, फिर इंशाल्लाह आपसे भी पॉसिबल हुआ तो शेयर करेंगे। तो बस बस मैं फातिमा को देखूँ क्योंकि सुबह मुझे भी जाना है ड्यूटी पर, और भी मेरे भी अपने दो तीन काम हैं जो मैंने कल निपटाने हैं सारे। तो बने रहे हमारे साथ, मिलते हैं आपसे कल सुबह। तो बस जरा सुबह मैं शूट कुछ भी नहीं कर पाई, तो आज उठाया, अभी उठाया कैमरा, तो अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट डे हो गया था, और उसके बाद मैं जब सुबह उठी हूँ तो मुझे आज ऑफिस जाना था, कुछ काम था मुझे, ऑफिस चली गई अपने काम से, फिर उसके बाद आई, आने के बाद जो है मैं थोड़ी देर सो गई थी, इन लोगों ने, फिर मैं उठी थी, ये अहमद ने, उनके बाबा ने खाना खा लिया था, फिर मैं उठी तो मैंने अपने लिए खाना निकाला, भूख बहुत ज़्यादा लगी है। तो आ गए आज अपने घर, और अपने घर में खा रहे हैं हम खाना, रोटी अहमद से मंगवा ली थी बाहर से, बहुत ज़्यादा भूख लगी थी, और बस या अल्लाह मदद। वो हमारी फातिमा देख सकते हैं आप, खाना खाते हैं, अहमद के भी मुंह में जो है बहुत ज़्यादा छाले हो गए, मैंने उसकी भी दवा लगाई है अभी, और मैंने सोचा कि मैं व्लॉग तो बनाऊँ क्योंकि कुछ भी नहीं बना हुआ था, व्लॉग बनाना भी ज़रूरी था, आप लोगों तक पहुँचानी भी थी अपडेट जी। भाई वो कह रही है मेरे बाबा नमाज पढ़ने गए, असर मगरिब सब माशाल्लाह। तो बस सही खाते हैं खाना मज़ेदार सा, मेरा सालन बिस्मिल्लाह ही वाला पर करेगा। इन लोगों ने बाहर से निहारी मंगा ली, वो भी खाई, कुछ सालन घर का बना हुआ था, थोड़ा वो खाया। थोड़ी देर में खाना खाती हूँ, खाना खाने के बाद हिम्मत हुई तो चाय बनाऊंगी, बना तो थोड़ी देर में रेस्ट करूँगी, फिर उसके बाद उठकर जो भी काम होंगे वो सब मैंने करने। तो बने रहे हमारे साथ, मिलते हैं खाना खाने के बाद, और आपसे शेयर करते हैं सारी बातें। तो बस गाइस सोचा था कि कुछ व्लॉग बनाने की कोशिश करूँगी, मगर मैं कुछ नहीं बना पाई क्योंकि मेरे सर में शदीद वाला दर्द हो रहा है, इतना ज़्यादा सर में दर्द हो रहा है कि मैं बता नहीं सकती आपको, कि मेरी आंखें जो है इतनी भारी हो रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा। लेकिन आप लोगों से प्रॉमिस किया है कि आज व्लॉग आएगा तो आएगा, व्लॉग डालना है तो डालना है, क्योंकि चैलेंज है मेरा और मैंने हिम्मत नहीं हारनी, कामयाब होना है, बहुत कुछ करना है, बहुत आगे बढ़ना है अपने बच्चों के लिए, अपने प्यारे प्यारे ये फूल जैसे जो मेरे बच्चे हैं ना, इनके लिए। इधर आओ, ये भी डिस्टर्ब हो रही है कि मम्मा को हो क्या रहा है, चक्कर आ रहे, उठ भी रही हूँ ना तो ऐसा लग रहा है अभी यहाँ गिरूंगी, अभी वहाँ गिरूंगी, आपको मेरे फेस से आइडिया हो रहा होगा, या तो इतने दिन की थकान है जो अम्मी के वहाँ निकली है।
बेटा बस अब जो भी मैं थोड़ा सा बस व्लॉग बना पाई वही मैं भी आज एडिट करके डाल दूंगी। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, दुआओं में मुझे मेरी पूरी फैमिली को याद रखें, पेरेंट्स की रिस्पेक्ट का ख्याल, उनसे प्यार उन्हें वक्त लाजमी दें, नमाज की पाबंदी करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करो, प्यार को कमेंट में कर दें। मिलते हैं यहाँ फिर थोड़ी देर में। अल्लाह हाफिज। और मुझे मेरी पूरी फैमिली को दुआओं में याद रखना है कि कल मेरा जो व्लॉग हो बहुत अच्छा सा हो और आप लोगों को अच्छा लगे। अभी के लिए ज़रूर दुआ करना क्योंकि अभी बिल्कुल तबीयत सही नहीं है। अभी डॉक्टर के पास जाऊंगी, दवा लेकर आऊंगी, फिर इंशाल्लाह। उम्र कितने तक? बेटा पापा लेके जाएंगे, मैं भी आऊंगी। रहे हमारे साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर आपने करना है, ठीक है? और मेरे लिए दुआ का एक कॉमेंट भी कर देना। अल्लाह हाफिज़।